नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग ज़्यादा अदरक का सेवन कर रहे हैं तो ये किस प्रकार से आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। जिस चीज़ के इस्तेमाल से जहाँ ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, वहीं उस चीज़ के बहुत से इस्तेमाल से, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से हानियाँ भी हो सकती है। तो भला प्रकृति का जो ये नियम है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं? जी हाँ, ज़्यादा मात्रा में अगर आप अदरक खाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अदरक खाने की एक सीमा होती है। अगर आप दिन भर में 2 ग्राम अदरक का सेवन करते हैं तो ये आपको लाभ पहुँचाएगा, लेकिन ज़्यादा अदरक खाने से आपके शरीर में एसिड का निर्माण होने लगेगा और पेट में गैस और गला जलने जैसी समस्याएं पैदा होंगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में जानते हैं उन लोगों के बारे में जो ज़्यादा अदरक का सेवन करते हैं, तो उनको किन किन नुकसानों के लिए तैयार रहना चाहिए और कौन कौन से नुकसान उनको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला नुकसान ये है कि अदरक को ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अदरक की चाय के साइड इफ़ेक्ट के रूप में नींद की कमी होने की संभावना होती है, इसलिए रात के समय बिस्तर पर जाने से पहले अदरक की चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको लंबे समय तक नींद नहीं आएगी और अच्छी सेहत के लिए एक अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अदरक के नुकसान के बारे में अगर बात करें तो यह ब्लड कोटिंग को धीमा बना देता है। जी हाँ, अदरक खून के थक्के को जमने से रोकती है। अदरक रक्त के थक्कों को धीमा करके एस्पिरिन के जैसे बर्ताव करती है। यह बात 2007 में प्रकाशित किताब द 150 हेल्दिस एस्टर फूड्स ऑन अर्थ के डॉक्टर आर जोनी बोडेन ने कही। अदरक को ज़्यादा खाने से खून पतला होने लगता है और उन मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है जिन्होंने रक्त के थक्के को रोकने के लिए पहले से एस्पिरिन, वारफारिन या हेपरिन जैसी दवाएं ली थी। इन रोगियों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए अदरक के प्रयोग से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था में नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ, गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दिनों में अदरक का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के समय अदरक का ज़्यादा सेवन भ्रूण के सेक्स हार्मोन पर बुरा असर डालता है। गर्भवती महिलाओं को 1 से 3% से ज़्यादा अदरक के टुकड़े को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा अदरक के सेवन से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे आपका गर्भपात भी हो सकता है। अगर अदरक के ज़्यादा सेवन से गर्भपात होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि स्टडी में यह भी पाया गया कि गर्भवती महिलाओं उल्टियां और मतली को रोकने के लिए सुबह के समय इसे सीमित मात्रा में खा सकती है, इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन प्रेगनेंसी के समय अदरक के सेवन को लेकर अगर सावधान हम रह लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अदरक का मामूली सा सेवन करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा, ऐसी हमारी राय है। अब अगले इसके नुकसान की बात करें दोस्तों, तो डायबिटीज़ के जो मरीज हैं को अदरक को बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको नहीं खाना चाहिए। यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को धीमा कर देता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं तो अदरक के सेवन से आपका ब्लड लेवल बहुत ही खतरनाक तरीके से लो हो जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा मात्रा में अदरक खाने से बचना चाहिए। होता यह है कि डायबिटीज़ में अदरक खाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे हाइपोग्लासीमिया यानी कि खून में शुगर की कमी की बीमारी हो सकती है। ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होना जहाँ नुकसानदायक होता है, तो इसका कम होना यानी कि लो होना भी हानिकारक होता है। इसलिए मधुमेह के रोगी और अगर मधुमेह की दवाई खा रहे हैं तो साथ में अदरक का सेवन ज़्यादा मात्रा में आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अध्ययन से ये पता चला है कि जो लोग सर्जरी से पहले अदरक की चाय का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उनमें विशेष रूप से कुछ जटिलताओं से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ऐसे में एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल दवाओं के नुकसानदायक परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिल पर यह बुरा असर कर सकता है। अदरक को ज़्यादा मात्रा में खाने से दिल पर बुरा असर पड़ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक हृदय प्रणाली पर अदरक के बुरे असर से हार्ट बीट में कुछ बदलाव आ सकते हैं। हालांकि इस तरह के असर की बात अभी तक प्रमाणित तो नहीं हुई है, लेकिन अदरक का ज़्यादा सेवन ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव पर पड़ सकता है। इसके अलावा
गाल ब्लेंडर में समस्या हो सकती है। जी हाँ, अदरक का ज़्यादा सेवन पित्त स्त्राव को बढ़ा देता है, इसलिए पित्त की पथरी और पित्ताशय की थैली की बीमारी के मरीज को अक्सर गाल ब्लेंडर के अटैक के खतरे से बचने के लिए अदरक न खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे रोगियों को पूरी तरह से अदरक खाना नहीं बंद करना चाहिए, लेकिन इसके उपयोग से पहले डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। इसके अलावा ब्लीडिंग की समस्याएं आपको पैदा कर सकता है। अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आपको अदरक ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है। महिलाओं को पीरियड्स के समय ये बात ध्यान रखनी है कि अदरक का ज़्यादा सेवन उन्हें नहीं करना है, वरना इससे आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे ज़्यादा अदरक खाने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किन किन प्रकार की सावधानियां आपको रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।